कर रही हूँ। जी हाँ नमस्कार सर, मैं नैना बात कर रही हूँ फोन की ओर से। सर बताना चाहूंगी कॉलर नैना कैसी हो, आज बड़ा लेट कर दिया फोन करने में। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सर बताना चाहूंगी फोन आपके लिए लेकर आया है स्पेशल मॉनसून पैकेज। सर इसके साथ कंपनी आपको किन्हीं भी 3 नंबरों पे गुफ्तगू जोड़ी पैक दे रही है। सर इसके तहत आप रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक मुफ्त में बात कर सकते हैं, मासिक 1500 मिनट मुफ्त। सर साथ ही मॉनसून बोनेंजा के तहत आपको एक छाता और गमबूट फ्री दिया जा रहा है। टॉपिक मत चेंज करो नैना, सच सच बताओ आज ऑफिस में कुछ हुआ था या घर पे? सर मैं नैना बात कर रही हूँ फोन की ओर से। सर मॉनसून तो अब तुम मुझसे ऐसे फॉर्मली बात करोगी जैसे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो क्या सर मैं अच्छा सुनो, डिनर खाया? 12:30 बजे से पहले खा लेना, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो तुम हमारी बातें रिकॉर्ड करती हो? इतना मिस करती हो मुझे। तो कभी बताया क्यों नहीं? अच्छा सुनो, तुम्हारी शिफ्ट के बाद मैं तुम्हें पिक करूंगा और फिर दोनों लव बर्ड्स लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़ेंगे। जी अरे भाई ये नया टेम्पो क्या दिखाने के लिए खरीदा है? अच्छा अपना ऑफिस एड्रेस फिर से बताओ। सर माफी चाहूंगी, हमें हमारी लोकेशन डिस्क्लोज करने की अनुमति नहीं है। पल में पराया कर दिया ना। सर देखिए आप गलत समझ रहे हैं। तू गलत नहीं है नैना, बस मुझसे थोड़ी अलग है। सर लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। तो तुम कहना चाहती हो कि रात के 11:30 बजे तुमने बिना किसी जान पहचान के मुझे कॉल कर दिया? अरे भाई मेरा फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक बैलेंस, डीएनए सैंपल सब तो है तुम्हारे पास, और तुम मुझे अपना ऑफिस एड्रेस भी नहीं बता सकती। सर हमारा ऑफिस दिल्ली में है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ आज ऑफिस के बाद लोधी गार्डन चलोगी? सर देखिए कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैनेजर की इंस्ट्रक्शन है कि हम अपनी पर्सनल बातें फोन पे ना करें। और वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है? मैनेजर माय फुट, बात करो मेरी उससे। एक तो दिल्ली जैसी अनसेफ जगह पे रात के 11:30 बजे तुमसे काम करवा रहे हैं, बात करो मेरी उससे। सर उसके लिए मुझे आपकी कॉल होल्ड पे डालनी पड़ेगी। सर क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकती हूँ? नहीं होल्ड पे नहीं, उसको यहीं से आवाज मार दो ना, तब तक हम दोनों अपने बारे में बात करते हैं। अच्छा यू लाइक इंडियन ओशन या पंचगनी? शर्मा गई। अच्छा सुनो अब की बार छुट्टियों में शिरडी चलेंगे। पता है वहाँ के साई प्रसाद वाले की वेज थाली कितनी ऑसम होती है? आज अगर डैडी होते तो कितना खुश होते। खैर परसों तो आ ही रहे हैं। पता है घर पे सब बहुत खुश हैं, ब्रदर, स्टेप मॉम, और अब तो दीदी भी जेल से छूट गई है। समझते क्यों नहीं कि अगर तू इसी तरह 2 मिनट और चुप रही तो क्या सर? तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा फिर से। हेलो हेलो नैना। हेलो नमस्कार सर, मैं एकता बात कर रही हूँ उसी बैंक से। परिपूर्ण दीदी, तुषार बोल रहा हूँ। मैं लाइक करना चाहता हूँ नैना, शेयर करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब भी करना चाहता हूँ, बस मैं कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहता।